तिजारा थाना क्षेत्र बस डिपो में कार्यरत मैकेनिक गोविंद का शव पड़े होने के चलते सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पुलिस ने मृतक गोविंद के परिजनों को भी इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। थाना अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि तिजारा डिपो से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिस पर मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को उठवाकर मोर्चरी में रखवाया। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त गोविंद मैकेनिक निवासी उत्तराखंड गांव गढ़वाल के रहने वाले के रूप में हुई, जो इस डिपो में बस मैकेनिक के पद पर काम कर रहा था और 2 महीने बाद उसका रिटायरमेंट भी होने वाला था। फिलहाल मौत होने के कारणों की जांच की जा रही है। जरा डिपो का एक मैकेनिक है जो कि वहाँ मिल करने काम कर रहा था, उसकी उम्र लगभग 60 साल है। आज सुबह सूचना मिली कि वो मृत अवस्था में पड़ा है, तो इसके वहाँ के घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया गया और बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। और प्रथम दृष्टया ये एक गर्मी या किसी बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु होना पाया गया है। फिर भी इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर जैसी रिपोर्ट आएगी उचित कार्यवाही की जाएगी।